ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिवजी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, अगर कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या चल रही है तो किसी अनुभवी की मदद से सुलझाने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। आपका दबदबा बना रहेगा और आप किसी भी परिस्थिति में अपना काम करने में सक्षम रहेंगे। किसी भी परेशानी में तनाव लेने के बजाय उसका समाधान ढूंढें। फाइनेंस संबंधी कोई भी लेन देन करते समय लापरवाही न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि आपकी योजनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास न करके सभी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति जरूर रखें। कारोबारी महिलाएं मुनाफा कमाएंगी। नौकरी पेशा लोग अपनी इच्छा के विपरीत कार्यभार मिलने से तनाव में रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का उचित ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। काम की अधिकता की वजह से गुस्से और तनाव की स्थिति रहेगी। इसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा। भाग्यशाली रंग हैं केसरिया। भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। वृष राशि, आज आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार और जिम्मेदारियां रह सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें, इसके उचित परिणाम ही मिलेंगे। बच्चों से संबंधित चल रही समस्या का समाधान मिलने से राहत रहेगी। खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत रखने से किसी की मदद की जरूरत ही नहीं होगी। कुछ समय आत्मचिंतन में भी लगाएं। आपका जिद्दी स्वभाव आपके खुद के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय लाभ की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। इस वजह से घर के सदस्यों में मनमुटाव होने की भी आशंका है। व्यवसाय में चुनौतियां रहेंगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत की योजना बनाई है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी के साथ तालमेल बन सकता है। ऑफिशियल मामलों में पेपर वर्क पर ज्यादा ध्यान दें। घर में सुखद व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनोरंजन और एक दूसरे के साथ समय जरूर व्यतीत करें। अपने लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या रहेगी। ज्यादा गुस्से और तनाव जैसी स्थितियों से दूर रहें। भाग्यशाली रंग हैं सफेद। भाग्यशाली अंक हैं 2। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। मिथुन राशि, ग्रह स्थिति बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। आप अपनी क्षमता और योग्यता से किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव रहेगा। किसी संबंधी के यहां समारोह में जाने का निमंत्रण मिलेगा। सोसाइटी और सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान बनाए रखें। इससे सकारात्मक लोगों का सानिध्य मिलेगा। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी मन में अकेलापन या उदासी जैसी फीलिंग आ सकती है। व्यवसायिक गतिविधियों में ज्यादा निवेश करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कोई बड़ा सौदा आपके हाथ से निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है।
पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल रहेगा। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। मौसम से अपना बचाव रखें। थोड़ी सी असावधानी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। भाग्यशाली रंग हैं हरा। भाग्यशाली अंक हैं 1। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जर से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। कर्क राशि: अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई विचार चल रहा है तो उस पर अमल करने का उचित समय है। आपका कोई खास कार्य रुका हुआ है तो आज किसी के सहयोग से हल होने की संभावना है। बातचीत के माध्यम से कई परेशानियों का हल मिलेगा। काम पूरा न होने पर तनाव में न आए। धैर्य जरूरी है। अपने नजदीकी संबंधों पर विश्वास रखें। अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करना या उधार लेना सही नहीं है। व्यवसाय में कुछ बेहतर उपलब्धियां मिलेंगी और पिछले कुछ समय से चल रही मंदी में सुधार आएगा, इसलिए प्रयासरत रहें। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या तरक्की मिलने की संभावना है। कोई टूर आदि का भी अवसर मिल सकता है। पति पत्नी के बीच नजदीकियां रहेंगी। अचानक ही किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। अपने सामर्थ्य से अधिक कार्यभार न लें, वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी होगा। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग हैं नीला। भाग्यशाली अंक हैं 4। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जर से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। सिंह राशि: संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा और तनाव मुक्त होकर अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहेंगे और उसका परिणाम भी उचित ही प्राप्त होगा। लापरवाही और आलस अपने ऊपर हावी न होने दें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। भाइयों से संपत्ति और बंटवारे संबंधी विवाद हल हो जाएगा। आपसी संबंधों को न बिगाड़े। युवा अपने करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। व्यापार विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा। अपना पूरा जोर मार्केटिंग में और अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन पर लगाएं। सरकारी नौकरी में बॉस और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आज कोई विशेष लक्ष्य को लेकर ड्यूटी लग सकती है। पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। घर में किसी मांगलिक अवसर संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। काफी समय से चल रही शारीरिक अस्वस्थता से आज राहत मिलेगी। एक्सरसाइज, योग आदि को नियमित रखें। भाग्यशाली रंग हैं पीला। भाग्यशाली अंक हैं 2। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जर से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। कन्या राशि: दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें।
इससे सुकून रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल रहेगी। रिश्तों में और अधिक नजदीकियां बढ़ेंगी। किसी मित्र या पड़ोसी के साथ वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ विरोधी लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, इसलिए अपनी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक न करें। व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अच्छा मुनाफा रहेगा। मशीनरी और लोहे से संबंधित व्यवसाय में कोई दिक्कत आ सकती है। कोई ऑफिशियल यात्रा करना आपकी तरक्की में सहायक है। वैवाहिक संबंधों में प्रेमपूर्ण स्थिति रहेगी। मित्रों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे। विवाह योग्य लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाही न बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें। भाग्यशाली रंग हैं ऑरेंज। भाग्यशाली अंक हैं 8। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जरदोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जर से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। तुला राशि: परिवारजनों के साथ किसी महत्वपूर्ण फैसले पर विचार विमर्श होगा। आपसी विचारों के आदान प्रदान से कई हल मिलेंगे। सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। किसी वरिष्ठ सदस्य से आपको मनपसंद उपहार मिल सकता है। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं। व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखें। दोपहर बाद कोई अप्रिय सूचना मिलने से घर में उदासी का माहौल भी बन सकता है। अपना और परिवारजनों का मनोबल मजबूत रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके ज्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से कर्मचारी आपसे कुछ नाराज हो सकते हैं। महिलाएं अपने व्यवसाय के लिए ज्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल करेंगी। नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों की वजह से घरवालों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। तनाव और चिंता आपको विचलित कर सकती है। कुछ समय आप अपने लिए निकालें। भाग्यशाली रंग हैं गुलाबी। भाग्यशाली अंक हैं 5। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जरदोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जर से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। वृश्चिक राशि: ग्रह स्थिति में अनुकूलता आ रही है। विवेक और चतुराई से काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर लें। किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान होगा। विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। आलस और मस्ती में समय नष्ट न करें। भूमि संबंधी कार्यों में लाभ मिलने की उम्मीद न करें, क्योंकि ज्यादा पाने की चाह में नुकसान हो सकता है। व्यवसायिक विस्तार से संबंधित योजनाएं बनेंगी। उन्हें क्रियान्वित करने का उचित समय है, लेकिन आंतरिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करने का टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे। सरकारी नौकरी में क्लाइंट्स के साथ बहसबाजी में न पड़े। विवाहित जीवन सुखी रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपको अपने कार्य के लिए एकाग्रता रखने के लिए एनर्जी देगा। प्रेमी युगल को मुलाकात करने का मौका मिलेगा। बुखार और खांसी जुकाम की समस्या रहेगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। भाग्यशाली रंग हैं जामुनी। भाग्यशाली अंक हैं 9।
उपाय हैं। उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय। नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। धनुराशि। आज फोन इंटरनेट के माध्यम से आपका कोई काम आसानी से सफल हो सकता है। संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। लंबे समय से संजोए हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। किसी भी काम में जल्दबाजी या लापरवाही न करें। इस समय लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि के कार्यों से दूर रहें। व्यर्थ के विवाद और कहासुनी से बचें। किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आप अपनी समझदारी से समस्या का हल निकाल लेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। विस्तार संबंधी कोई नई उम्मीद कामयाब होगी। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। सभी सदस्यों का आपस में समय व्यतीत करना सुख देगा। छोटी मोटी मौसमी परेशानियां रहेंगी। गलत आदतों और गलत प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। भाग्यशाली रंग हैं क्रीम। भाग्यशाली अंक हैं 2। उपाय हैं। उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय। नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। मकर राशि। आज दिन भर कई गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों के साथ समय खुशनुमा और मनोरंजन पूर्ण व्यतीत होगा। व्यस्तता भरी दिनचर्या की थकान दूर होगी। पारिवारिक मतभेद किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता में सुलझाने का प्रयास करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवा वर्ग आजकल अपने लक्ष्यों के लिए लापरवाही न करें। पिछले कुछ समय से कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता से अपने काम पर ध्यान दें। व्यवसाय संबंधी किसी भी तरह का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक माहौल सुखद और अनुशासित रहेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। अपनी सोच सकारात्मक बनाकर रखें और उत्तम प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय अवश्य व्यतीत करें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग हैं लाल। भाग्यशाली अंक हैं 6। उपाय हैं। उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय। नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। कुंभ राशि। फोन कॉल या किसी संबंधी के माध्यम से आपको कोई खास शुभ समाचार मिलेगा। आपके बोलचाल का लहजा दूसरों को प्रभावित कर देगा। आज आप इन्हीं गुणों से आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे। अति आत्मविश्वास और जल्दबाजी की वजह से आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपने इन गुणों का सकारात्मक रूप में प्रयोग करें तो आपको अवश्य ही उचित परिणाम हासिल हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखें।
विद्यार्थियों को किसी विषय में समस्या रहेगी, व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा, रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है, नौकरी पेशा लोग अपनी कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का परिवर्तन न करें, इस समय वर्तमान कार्यों में ध्यान देने की जरूरत है, पारिवारिक सदस्यों के आपसी तालमेल से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, घर में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इस मौसम की वजह से कुछ थकान और सुस्ती रह सकती है, सर्दी से अपना बचाव करें। भाग्यशाली रंग हैं बादामी, भाग्यशाली अंक हैं 4। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा। मीन राशि: अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मामला फंसा हुआ है तो आज उसके हाल होने की संभावना है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें, आप खुशी और शांति महसूस करेंगे। आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास भी करें। विद्यार्थी और युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना नुकसान ही करेंगे, इसलिए सचेत रहें। बैंक अथवा निवेश संबंधी कार्यों में कुछ गलतियां होने से मन में झुंझलाहट रहेगी, बेहतर होगा कि इनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। कारोबार में आंतरिक गतिविधियों में परिवर्तन करना होगा। कार्यक्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास करना जरूरी है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपसी तालमेल से तरक्की होगी। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें। घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी और विवाह हेतु परिवार की स्वीकृति भी मिल जाएगी। महिलाएं किसी इंफेक्शन की वजह से परेशान रह सकती हैं। भाग्यशाली रंग हैं आसमानी, भाग्यशाली अंक हैं 7। उपाय हैं: उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम मिश्रित जल दें, दिन अच्छा बीतेगा। वास्तुशास्त्र के उपाय: नवजात शिशु को जड़ दोष से बचाने के लिए माताओं को चाहिए कि वह अपने शिशु को जब भी स्तनपान कराएं तो अपने आंचल में छुपाकर ही कराएं। अगर छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं तो वह भी ढककर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जड़ से बचेगा, स्वस्थ और निरोगी भी रहेगा।